वेलकम बैक वंस अगेन टू येट अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 एंड मैं जा रहा हूँ अभी मार्केट। मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उसका नाम है सौ कारपेट मार्केट। वो माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट मार्केट है एंड नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, चेन्नई के नॉर्दर्न साइड में, एंड वो नॉर्थ इंडियन हब मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ इंडियन का जो है ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हब है, ऐसा मैंने सुना है ऐसा मैंने। तो चलो अभी चलते हैं, ये है स्टेशन एंड यहाँ से मेरे को टिकट लेना है। अभी ऐसा कुछ रहा स्टेशन, ऊपर चलती है ट्रेन एंड यहाँ से मैं लेने वाला हूँ अभी टिकट। ये है टिकट काउंटर एंड मैं यहाँ से टिकट ले रहा हूँ अभी सौ कारपेट मार्केट के लिए। तो मैं बोल रहा था भैया को कि सौ कारपेट तो समझ ही नहीं रहते, फिर मैंने अंकल ये दिस वन, तो फिर मैंने बताया इनको, फ़ोन दिखाया, तो इन लोग का एक्सेंट जो होता है ना एक्सेंट, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो लोग बोलते हैं सौ कारपेट मार्केट। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, 5 रुपया बस टिकट लगा है, डायरेक्ट सौ कारपेट का नहीं मिला है मेरे को, फिर चेंज करना है वहाँ से बस लेना होगा। मैं वेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा टिकट, मैंने टिकट ले लिया है एंड मैं इधर जा रहा हूँ वे टू चेन्नई बीच। तो जो भी ट्रेन आएगी ये वाले साइड में, जस्ट लाइक दिल्ली मेट्रो, यहाँ पे भी दो गेट है, एक उस साइड है एंड एक अपोजिट साइड है। तो मैं अभी चेन्नई बीच में जा रहा हूँ, चेन्नई बीच से फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, मार्केट जाने के लिए। तो चलो चलते हैं, लोकल ट्रेन का मज़ा लेते हैं एंड आप लोग को भी दिखाते हैं, बने रहना व्लॉग में, आज का व्लॉग भी मज़ेदार होने वाला है। वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड ये मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2। पूरे 5 मिनट वेट करने के बाद अपनी ट्रेन आ चुकी है ये, जो कि जाएगी चेन्नई बीच तक। ये देखो ट्रेन, यहाँ की लोकल ट्रेन है ये S09। चलो जल्दी से चढ़ते हैं लोकल ट्रेन में एंड उसके बाद आप लोग को सफ़र दिखाते हैं, इन्जॉय करिएगा आप लोग मेरे साथ। तो अभी मुझे ये 10 स्टॉप्स क्रॉस करने हैं, उसके बाद चेन्नई पार्क टाउन आएगा एंड वहाँ से फिर मेरे को उतरना पड़ेगा। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यार अभी, वो क्यों पूछो, मैं बताता हूँ शॉर्टकट में। तो हुआ क्या, जहाँ से मैंने ट्रेन लिया था, बोर्ड किया था, तो वहाँ पे एक पुलिस वाला था, तो पुलिस वाले ने बोला कि वीडियो यहाँ पे मत बनाओ, तो मैं बंद कर दिया था वहाँ पे कैमरा। बट उसके एक स्टेशन आगे एक और पुलिस वाला मिला, फिर उसने मेरे को ट्रेन से उतारा, बोला उतरो पहले। तो मैं बोला क्या हो गया, तो बोला क्या कर रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं बोला यूट्यूबर हूँ, मेरा काम है ट्रैवल ब्लॉग्स बनाना। तो उसने वो एक घंटे तक वेट करवाया, उसके बाद ही मेरे को ट्रेन मतलब दूसरे ट्रेन में बैठाया। तो भाई साहब मैं वहाँ से चला था दिन में एंड अभी देख सकते हो पूरा रात हो गया। उस पुलिस वाले के चलते यार एक घंटा बैठना पड़ा, टाइम वेस्ट हुआ, फिर बर्बाद हो गया, फिर मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। तो मैं जा रहा था सो कारपेट एक मार्केट है वहाँ पे जा रहा था, बट वो अब वहाँ पे नहीं जाऊँगा यार, पूरा मूड ऑफ हो गया। मैं आप लोग के लिए सोचा कि कुछ तो आज बनता है दिखाना, तो ये बगल में था OMR फूड स्ट्रीट, इसको बोलते हैं। तो ये देख सकते हो पूरा OMR फूड स्ट्रीट से भरा हुआ है। तो अभी चलते हैं अंदर एंड पहले स्टार्ट करते हैं चाय से, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो पहले चाय पीते हैं उसके बाद खाना भी खाएंगे। भैया क्या नाम है शॉप का? इनके शॉप नेम इनके, ये देख सकते हो शॉप का नाम है इनके एक्सप्रेस। तो यहाँ पे चाय स्पेशल बनता है। ये क्या है आपका? मिल्क। ओह एंड दिस इज द रेडी टी। कैसे देते हो आप, पिला सकते हो मुझे? तो देख सकते हो यहाँ पे चाय का स्पेशल है, लाइक चेन्नई में मैं फर्स्ट टाइम चाय ट्राई करने वाला हूँ एंड ये लाइक कूलर चाय लग रहा है। कूलर चाय तंदूरी। तो ये देखो भैया कब गर्म कर रहे हैं, उसके बाद ये चाय देंगे। हाउ मच प्राइस अन्ना? प्राइस 40 रुपीज़। दिस कप 40 रुपीज़ एंड द बिगर वन, ये मलाई तंदूरी। सो यू कैन ट्राई द मलाई तंदूरी, 35 है मलाई तंदूरी दे दो। तो आप लोग अगर चेन्नई आ रहे हो तो MGR रोड पे ये स्टॉल शॉप पड़ता है, OMR स्ट्रीट फूड, अगर आप लोग सर्च करोगे मैप में तो आपको दिख जाएगा एंड यहाँ पे ज़रूर ट्राई करो। आपके लिए तंदूरी रेडी हो रहा है। तंदूरी ठीक है, तो तंदूरी बना दो, उसके बाद आफ्टर दैट तंदूरी मलाई है, तंदूरी स्पेशल मलाई कॉफी है। भाई आपको चॉकलेट? चॉकलेट तंदूरी चाय। हाँ इंडस्ट्रियल चाय और मलाई चाय। तो ये रहा हमारा, गर्म तो नहीं है?
तो ये रहा हमारा चॉकलेट तंदूरी चाय, एंड अभी इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट बताते हैं यहाँ का। चाय के अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ है, भैया से जानते हैं। भैया और क्या कुछ है यहाँ पे? चाय है, कॉफ़ी है, मिल्क है, मिल्क में वैराइटीज कॉफ़ी वैराइटीज आइटम है, और हम लोग का स्पेशल लस्सी हो, फ्लेवर वाला लस्सी है, रोल है, लस्सी है, रोल है, रोल आपका स्पेशल मिलेगा, वो भी कलकत्ता स्टाइल में, वो आपका लच्छा पराठा के साथ। तो ये कलकत्ता का शॉप है, आप लोग कलकत्ता से हो? मज़ा आ गया लेकिन चाय पी के। बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमने पी लिया चाय, एंड अब चलते हैं आगे, कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ का अभी तक स्पेशल फूड मैंने ट्राई नहीं किया है, तो वो भी देखूँगा। लाइक देखो, ये भी शॉप है, लाइक कैफे टाइप शॉप बना रखे हैं यहाँ पे। एंड यू नो व्हाट, कि भैया से जैसे अभी मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। मैं बोला भैया ले लो यार, बोलते नहीं नहीं हो गया, इट्स ओके। चलते चलते यहाँ पे एक दुकान दिखा है शॉर्मा का, यहाँ पे बन रहा है शॉर्मा। हेलो अन्ना, कैसे हो? शॉर्मा बना रहे हो आप? कौन सा शॉर्मा? वो बारबेक्यू। बारबेक्यू कैसे? हाउ मच? 130 फॉर दिस शॉर्मा। तो चाय के बाद टाइम है शॉर्मा खाने का। मेरे पीछे देख सकते हो दुकान है शॉर्मा का, एंड इनका नाम है द अरेबियन शॉर्मा, एंड ये चेन्नई के नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे जैसे दुकान खोले हुए तो बाहर से आके खोल रखे हैं। तो ये भैया हैं, भैया आप कहाँ से हो? बनारस। अरे मेरे पड़ोसी हो, मैं बिहार से हूँ। तो आप शॉर्मा बना रहे हो मेरे लिए? हाँ, कौन सा स्पेशल बना रहे हैं? स्पेशल नाम क्या है शॉर्मा का? ये वाला जो अभी बन रहा है मेरे लिए, ये वाला पेरी पेरी। तो भाई साहब पेरी पेरी शॉर्मा बन रहा है मेरे लिए, तो अभी दिखाते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है पेरी पेरी शॉर्मा का। ये क्या है भैया? थुबुस है। थुबुस? थुबुस बोलते हैं? हाँ। जैसे ब्रेड के बनता है ब्रेड, थुबुस का नाम है। थुबुस नाम है? हाँ। अच्छा, ये क्या लगाया आपने? मायनीज। मायनीज लगाया अभी भैया ने। एंड ये पेरी पेरी है। पेरी पेरी। ये क्या डाल रहे हो? पोटैटो। पोटैटो। ये फ्रेंच फ्राई डाला आपने? फ्रेंच फ्राई पोटैटो। आपके पास ये रेडी रहता है पूरा? रेडी है। ये किस चीज़ का है पूरा? ये चिकन। चिकन? हाँ पूरा चिकन है ये, पूरा चिकन को कट करके। ये रेडी हो गया? रेडी हो गया। एंड इसको कैसे खाएं ये? अच्छा, ये रेडी टू ईट, रेडी इस पर। तो गाइस इधर देख सकते हो शॉर्मा रेडी हो गया, पेरी पेरी शॉर्मा। तो थैंक यू सो मच भैया। तो चलो अभी शॉर्मा इन्जॉय करते हैं, एंड उसके बाद आप लोग को टेस्ट बताते हैं यहाँ पे कैसा है। बाय बाय, थैंक यू। अमेजिंग टेस्ट था सच में, बहुत ही प्यारा टेस्ट था। तो चलो अब कुछ और देखते हैं ट्राई करने, आज भर भर के खाएंगे यार, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। मेरा ये कहीं भी फर्स्ट टाइम है, फूड ब्लॉगिंग मैं वैसे करता नहीं हूँ, बट आज स्ट्रीट फूड पे आया हूँ, तो सोचा फूड ब्लॉगिंग करते हैं, एंड आप लोग को दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ पे नया चीज़ मतलब देखने को। ऐसे तो पटना में बहुत सारा चीज़ है, वैराइटीज ऑफ थिंग है जो मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो मिलता है ना, लाइक पटना में शॉर्मा उतना बहुत ज़्यादा कम मिलता है। तो चलो अभी और देखते हैं क्या कुछ है देखने को यहाँ पे। शॉर्मा चखने के बाद अब हम आए हैं एक ट्रेडिशनल शॉप पे, ट्रेडिशनल फूड यहाँ पे मिलता है, अवेलेबल है, लाइक यू कैन सी द नेम। मेरे को भी समझ में अभी नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो ये शॉप का नाम रहा कढ़ाई कुड़ी। तो यहाँ पे हैं सर जी बैठे हुए हैं। हेलो सर जी। हेलो, सो व्हाट्स द शॉप नेम? कोड़ी। तो जो शॉप का नेम है, तो चलो उनसे मीनिंग पूछते हैं कि ये किस मीनिंग के ऊपर है। सो सर जी, कोड़ी कोड़ी मीन्स लाइक योर शॉप नेम मीन्स फेमस फूड सिटी। फेमस फूड सिटी? फूड सिटी इन चेन्नई? नो नो, इन तमिलनाडु। ओ तमिलनाडु। तमिलनाडु। ओके। एंड कईवन्ना मीन इट्स हैंडमेड, दैट हैंडमेड। हां, सो इट्स बेसिकली कोड़ी कोड़ी इज रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल फूड ऑर्डर किया है, वो आ जाता है, फिर आपको दिखाते हैं एंड टेस्ट करके बताते हैं। तो आज का बस वीडियो फूड ब्लॉगिंग के ऊपर है, एंजॉय करो साउथ इंडियन फूड। अन्ना मुझे लेके जा रहे हैं डाइनिंग एरिया में, यहाँ पे देखो हॉस्पिटैलिटी काफी प्यारी है यार, यहाँ की बस लोगों से आपको बात करना है, अच्छे से बात करो, बहुत ही प्यारी है हॉस्पिटैलिटी। ये रहा पूरा डाइनिंग हॉल यहाँ का, मैं नीचे था तो अभी ऊपर आया। तो गाइस ये रहा हमारा डिश आज मैंने जो ऑर्डर किया है, एंड ये रहे शेफ, एंड ये दो भाई लोग से वनकम वनकम। तो शेफ से पूछते हैं हम कि ये डिश कैसे प्रिपेयर होता है। शेफ, हाउ डू यू प्रिपेयर दिस डिश? दिस इज बेसिकली इट्स नॉट तमिलनाडु चेन्नई डिशेस, दिस इज फ्रॉम केरला डिश। केरला? या। ओ, सो हाउ डू यू प्रिपेयर? वी आर यूजिंग रॉ राइस, वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस, रॉ कच्चा, कच्चा राइस। ओ ओके, देन यू कैन सोक मिनिमम 2 आवर्स। 2 आवर्स? यस। ओके, देन आफ्टर दैट
you can grind it. We are using grinder. Grinder, okay. Then grind it and you can make like a dough. After that, we have a skewer. Like traditional skewers we have. Then you can switch on the steamer. Then take one plate. Then skew it like this. After that, you can get this. This is only salt rice. Salt rice. That's it. Oh, this is salty. Only normal salt. Normal salt. Salt and rice. This is coconut milk. This one is coconut milk. Coconut milk reduced from the coconut only. Only coconut. Only coconut. Then we added sugar. Sugar. Direct coconut milk. Direct coconut milk. No, nothing added. Nothing will added. Okay. Coconut milk. We are specially we added tender coconuts. Okay. And iska naam kya? What's the name? Idiyappam. 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 Chef मेरे को अभी मिले हैं. Like जो भैया से मैंने बात किया है, तो वो मेरे को ये prefer किए थे. But chef बोल रहे हैं कि आपने गलत dish choose कर लिया. I choose the wrong dish ना? Yes. It's okay. We can eat. So ये खाते कैसे हैं ऐसे? Just break it and soak it and you. You can show. Yeah, just. You first. Oh ये पूरा. अच्छा. This is the layer. Yeah, this is first one, second one, third one. Oh, three layers are there. Yeah. Idiyappam, three layers. Oh. You can just open just it. Just like roti. Yeah, but this is very good for your health. Oh. See, come. Nah, eat. Yeah, I'll eat. No, eat na. Just like this. Yeah, that's it. Oh, wow. You will enjoy it. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. चलो अभी खाते हैं इसको ऑथेंटिक ट्रेडिशनल स्टाइल में एंड उसके बाद आप लोग को टेस्ट बताते हैं. शेफ ने ट्राई किया है, शेफ ने खुद बनाया, खुद ट्राई किया. अब मेरा वाड़ी है ट्राई करने का. तो ये देखो, इट्स जस्ट लाइक रोटी है. इसको ऐसे तोड़ो एंड कोकोनट मिल्क में डिप करके ये रेडी टू. नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इडियप्पम खाने के बाद मेरा पेट तो फुल हो चुका है, बट थोड़ा सा और स्पेस है. तो शेफ ने मेरे लिए स्पेशल चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी. दिस इज मटन चुका बिरयानी. चुका नॉर चुका मींस दैट इज अ फुल्ली रोस्टेड फ्रॉम साउथ इंडियन मसालास. ओके, सो दिस इज द ऑथेंटिक. या दिस इज ऑथेंटिक आवर. अच्छा, आवर ऑथेंटिक डिशेस. कारीकुड़ी कई बना मिसाल मेड अप ऑफ राइस एंड lentils, that's it. Achha. Like every biryani is same. ये रायता, ये वाला सब्जी है. ये भी सर्व हुआ है बनाना लीफ में. Yes, everything is banana leaf. Here you will find like a banana leaf. You can go anywhere in Tamil Nadu, you can see banana leaf. तो ये देख सकते हो, यहाँ भी banana leaf में serve किया गया है. And ये रहा पूरा dish. इसका what's the name of dish? Like this is mutton chukka biryani. Chukka biryani. तो मटन चुक्का बिरयानी है ये. एंड शेफ बैठे हुए, तो अभी टेस्ट करते हैं, इसका भी टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका. टू सेपरेट दिस इन टॉप ऑफ फुल्ली मटन. दिस इज फुल्ली मटन बिरयानी. या यू कैन ईट आउटसाइड, यू कैन गेट टू और थ्री पीसेस. हां, दिस इज फाइव पीसेस. भाई साहब यहां पे देख सकते हो, ये छोटे से बाउल में जो बिरयानी है इसमें फाइव पीस मटन है. मतलब पूरा बिरयानी. बिरयानी एकदम थोड़ा सा है, बट मटन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. काफ़ी अच्छा है यार. एंड स्मेल बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा लग रहा है स्मेल करके. राइस, अभी मैं ये इसको टेस्ट करने वाला हूँ. ये देख सकते हो राइस है. एंड लाइक शेफ का कहना है कि अगर हैदराबादी बिरयानी आप कभी भी ट्राई की होगे, तो लाइक राइस अलग रहता है एंड उसका जो पीसेस रहता है लाइक मटन, वो अलग रहता है. तो इसको मिक्स करते हैं. ये देख सकते हो. सो टेस्ट मटन बिरयानी. Awesome. बहुत ही अच्छा टेस्ट है. अमेजिंग टेस्ट. मतलब एक एक फ्लेवर इसका इसमें मिक्सअप है. इसमें 21 वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस यूज है इस बिरयानी में. मतलब एक छोटे से बाउल में ये देख सकते हो दिस बाउल. एंड इसमें 5 पीस मटन था. एंड बेस्ट ऑफ द थिंग इज कि बिरयानी है. ये रहा रायता. एंड ये क्या है सर? दैट इज अ चिकन करी. चिकन करी. या वी आर कॉल्ड शालना. शालना. शालना मींस दैट इज वाटरी ग्रेवी. वॉटरी. यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ मेरा सब लोग के साथ. ये लोग सब लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ. लाइक एक्सीडेंटली मैं यहाँ पे आया एंड मीट किया सेफ से, भाई लोग से. बहुत अच्छा लगा, टेस्ट किया लोकल क्विजीन, बहुत अच्छा था. एंड कल भी कुछ प्लान्स है, भैया लोग ने बताया है कल एक जगह है. आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं एंड मेरा पेट पूरा भर चुका है. तो थैंक यू सो मच सब चीज के लिए. थैंक यू सो मच. तो चलो अब यहाँ से चलते हैं.
तो अभी बज रहा है 9 बिकॉज मेरे को जाना है घर भी, एंड कल एक बहुत ही बेहतरीन प्लान्स है तो वो मेरे को अर्ली मॉर्निंग जाना है वहाँ पे, कल बताऊँगा कल वाले ब्लॉग्स में। एंड ये देख सकते हो यहाँ का मार्केट अभी भी बिजी है, 9, 10 बजे, 11 बजे यहाँ पे पता ही नहीं चलता है टाइम कितना भी होता है। तो अभी यहाँ से मैं रैपिडो बुक करता हूँ घर के लिए, एंड उसके बाद चलते हैं घर। आज का ब्लॉग इतना ही रहने देते हैं।